स्टूडेंट्स, हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया कि परमुटेशन किसे कहते हैं, कम्बिनेशन किसे कहते हैं और परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। उसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी है जिनसे आपने ये सीखा होगा कि परमुटेशन कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने ये बताया था कि परमुटेशन इज ए टू वे प्रोसेस। परमुटेशन में हम दो चीजें करते हैं, पहले हम चीजों का चुनाव करते हैं, पहले हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं और साथ ही में उनको हम ऑर्डर देते हैं। और कॉम्बिनेशन इज ए वन वे प्रोसेस, दैट इज कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। फिर अगर आपको याद हो, उस लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस बोले थे, कुछ एग्जांपल्स की थी, तो हमने देखा था कि उन क्वेश्चंस को एक लेमैन सॉल्व नहीं कर सकता। हम खुद मतलब मैन्युअली, जैसे हम यूजुअली काउंटिंग करते हैं, उन क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने ये भी देखा था कि उन क्वेश्चंस के लिए कोई नई टेक्निक होनी चाहिए, कोई नई फॉर्मूला होनी चाहिए जिन टेक्निक की मदद से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते। तो वहां मैंने लास्ट में बताया था कि हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिन टेक्निक्स की मदद से हम एडवांस्ड काउंटिंग कर सके। तो फर्स्ट टेक्निक हम आज बेटा पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज द बेस ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड आगे इसी में हम पढ़ेंगे फिर परमुटेशन डिटेल में और कॉम्बिनेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है, इस प्रिंसिपल का यूज करके हम एडवांस्ड काउंटिंग कैसे करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बताता चलूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दो सेक्शंस हैं। एक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दूसरा है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दैट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें पढ़ना है। काउंटिंग हमें पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट एडिशन भी, और इसे हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी। अब हम बारी बारी समझेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। तो चलो समझते हैं पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है विथ एग्जांपल्स। देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स में दो लूंगा कंपैरिजन में। से आपसे पूछा जा रहा है 5 bowlers और एंड 6 batsmen में, कितने हैं बेटा, 5 bowlers है और 6 batsmen हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से आपको एक कैप्टन को सिलेक्ट करना है। एज यू ऑलरेडी नो, अगर आप क्रिकेट की बात करोगे तो क्रिकेट में 11 players का एक कैप्टन होता है और वो कैप्टन इन्हीं 5 bowlers और 6 batsmen में से होता है। दैट्स इन टोटल 11 players में से एक ऐसा बंदा होता है जिसे हम कैप्टन कहते हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाए ये 5 bowlers है, ये 6 batsmen है, इनमें से आप एक कैप्टन को चुनो, लेकिन चलो ये तो सर ये कौन सा काम है, इस वाले बॉलर को या इस वाले बैट्समैन को मैं रखूं, नहीं, इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो। आपको एक कैप्टन चुनना है, किनमें से चुनना है, 5 bowlers और 6 batsmen में से। लेकिन ये तो आसान काम था, किसी को भी जो आपको अच्छा लगता उसको आप कैप्टन चुनते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है
कि आप ये काम कैप्टन चुनना जो आपको है 5 balls and 6 बैट्समैन में से, ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, आप किस किस को सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीकों से आप एक कैप्टन को चुन सकते हो 5 balls and 6 बैट्समैन। चलो देखते हैं, हम समझो भी हमें कुछ पता ही नहीं है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, हम जैसे लेमेन की तरह मैनुअली हम काउंट करेंगे। हमारे पास से 5 balls है, BO1, BO2, BO3, BO4, BO5 से BO means bowler बेटा। सपोज हम इन 5 balls में से इसको भी कैप्टन बना सकते हैं, सो एक तरीके से हम ये कर सकते हैं। हम बॉलर 2 को भी कैप्टन बना सकते हैं, सो दो तरीके से। बॉलर 3 को भी हम कैप्टन बना सकते हैं, तीन तरीकों से। बॉलर 4 को हम कैप्टन बना सकते हैं, चार तरीकों से हम कैप्टन चुन सकते हैं। अभी तक बॉलर 5 को भी कैप्टन बनाया जा सकता है। तो 5 ways वी कैन सिलेक्ट 1 कैप्टन आउट ऑफ 5 bowlers। सो बॉलर्स में से अगर आप कैप्टन चुनोगे, अगर आपका मन है कि मैं इन बैट्समैन और बॉलर्स में से कैप्टन जो बनाऊंगा वो बॉलर को बनाऊंगा, तो बॉलर्स में से आप कैप्टन जो आप कितने तरीके से चुन सकते हो, इन हाउ मेनी वेज, इन 5 ways। आपके पास कितनी चॉइसेस है, 5। आप इन 5 में से किसी एक को कैप्टन बना सकते हो। सो इन 5 ways यू कैन सिलेक्ट अ कैप्टन अमंग द बॉलर्स। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है आपको बॉलर्स या बैट्समैन से, किसी यहां से भी एक कैप्टन को आप चुन सकते हो या इस यहां से भी। चलो देखते हैं बैट्समैन में से हम कितने तरीकों से कैप्टन को चुन सकते हैं, और या तो आपको बॉलर से चुनना है या बैट्समैन से। चलो BT1, BT2, या तो BT1 को हम चुन सकते हैं कैप्टन, या BT2 को, या हम किसको चुन सकते हैं, BT3 को, जो या BT4 को, या BT5 को, या BT6 को। तो कितने हमारे पास, कितने बैट्समैन है, 6 batsmen है हमारे पास। 6 में से हम 6 batsmen किसी एक को भी चुन सकते हैं, किसी और, इसको भी हम कैप्टन बना सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इन टोटल कितने तरीकों से आप अमंग द बैट्समैन कैप्टन चुन सकते हो, 6 ways। कितने तरीकों से, 6 ways। लेकिन क्या आप यहां से एक कैप्टन बनाओगे, यहां से एक कैप्टन बनाओगे, तो टीम के कितने कैप्टन होंगे, 2 captains होंगे। लेकिन एज यू नो आपको कैप्टन जो रखना है, एक ही कैप्टन रहना चाहिए टीम का। तो आप क्या करोगे, अगर आप यहां बीच में एंड लगाओगे, एंड का मतलब हुआ हम यहां से भी एक चुनेंगे, यहां से भी एक चुनेंगे, तो कितने कैप्टन बनेंगे, 2। लेकिन यू नो कैप्टन एक ही होता है, तो बीच में लगेगा। और या हम कैप्टन इनमें से चुनेंगे या इनमें से चुनेंगे, लेकिन कितने तरीके तरीकों से आप चुन सकते हो एक कैप्टन को फ्रॉम द गिवन 5 bowlers and 6 batsmen। तो टोटल है 5 ways 6 ways, तो बीच में लगेगा प्लस, बीच में लगेगा प्लस। 5 तरीकों से भी हम चुन सकते हैं 6, तो टोटल हमें बताना टोटल कितने तरीकों से आप एक कैप्टन को चुन सकते हो फ्रॉम द गिवन 5 bowlers and 6 batsmen। तो टोटल हम क्या कहेंगे बेटा, 5 plus 6 ways, which is equal to 11 ways। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने क्या चुनना था, एक कैप्टन को चुनना था 5 bowlers and 6 batsmen में से। तो हमने 1 by 1 चेक किया, हमने देखा टोटल हम ये काम, क्या कैप्टन चुनने का काम 11 तरीकों से किया जा सकता, 11 तरीकों से हम एक कैप्टन को चुन सकते हैं। चलो इस एग्जाम्पल के कंपैरिजन में मैं और एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। से आप स्कूल जाते हो और आपकी मदर आपसे कह रही है कि आप एक दिन में एक टिफिन और एक स्कूल बैग, एक बैग साथ लोगे स्कूल एक दिन के लिए। आप जब स्कूल जाते हो ऑब्वियसली एक टिफिन लेते हो साथ में और एक बैग लेते हो, डेट स्कूल बैग जिसमें आप बुक्स वगैरह रखते हो। तो आपकी मदर ने आपको 3 tiffins लाके रखे हैं, T1, T2 और T3। उसने आपको 3 tiffins लाके रखे हैं, घर में आपके 3 tiffins है। एंड आप घर वालों ने आपके कितने बैग्स रखे हैं, 4 bags से, B1, B2, B3 और B4। आपके घर में 3 tiffins और 4 bags है, लेकिन आप एक कंडीशन ये अप्लाई है,
एक दिन के लिए आप एक टिफिन और एक स्कूल बैग ले सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन है कि आप कितने अलग अलग टिफिन और स्कूल बैग दिन में ले सकते हो। डेट्स आप कितने अलग अलग तरीकों से एक टिफिन और एक स्कूल बैग स्कूल के लिए ले सकते हो। डेट्स आप कितनी अलग अलग सिलेक्शंस बना सकते हो यहां पे जब आपको एक दिन के लिए एक टिफिन और एक बैग लेना हो। अलग अलग सिलेक्शंस, जैसे कि आपका मन करे आप फर्स्ट दिन के लिए टिफिन वन लोगे। क्या लिया? टिफिन वन। लेकिन टिफिन वन के साथ आप लोगे बैग भी, आपको लेना है टिफिन भी लेना है बैग स्कूल बैग। टिफिन वन के साथ आप लोगे बैग वन, इट्स द पॉसिबिलिटी बन गई एक सिलेक्शन, टिफिन वन लिया इसके साथ लिया बैग वन। लेकिन जब आप अगले दिन स्कूल जाओगे उस दिन आप कहोगे नहीं मैं टिफिन को चेंज नहीं करूंगा, टिफिन को मैं यही रखूंगा, टिफिन वन ही, बस मैं बैग को चेंज करूंगा बैग वन, बैग टू से सॉरी बैग टू। टिफिन वन के साथ क्या लिया? बैग टू। जब तीसरा दिन है आपका स्कूल का तो टिफिन वन के साथ आप टिफिन को सेम ही रखते हो, टिफिन आपने चेंज नहीं है, केयर ऑन लिया, बैग इसको भी चेंज करो बैग थ्री को लोगे साथ में। और फोर्थ डे आप क्या कर रहे हो? टिफिन वन को वैसे ही रखते हो, अब आप ले रहे हो बैग फोर साथ में। आई बात समझ में? अभी आपने कितनी अलग अलग सिलेक्शन बनाई जब आपको एक टिफिन और एक बैग स्कूल लेना है, चार, वन टू थ्री फोर। जब फिफ्थ डे आया, पांचवा दिन आया, तो पांचवे दिन आप चाहते थे कि मैं टिफिन वन को साथ ही लूं, टिफिन वन को ही साथ लूं, फिर इसके साथ किसको लूं? बी वन को। लेकिन वो सिलेक्शन तो मैंने ले ली, इसके साथ बी टू को लेता, वो भी मैं, टी बी थ्री को। तो टिफिन वन के साथ अब आपको कोई नई सिलेक्शन नहीं बनेगी, नई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी। तो अब आप कह रहे हो कि मुझे टिफिन को चेंज करना है। अब आपने सोचा कि मैं अब टिफिन टू को लूंगा। अब आपने बोला जब टिफिन टू को लूंगा इसके साथ तो मैं किसी भी बैग को भी ले सकता हूं, बी वन को भी, बी टू को भी, बी थ्री को भी और बी फोर के। तो कितनी अगेन बन गई सिलेक्शन? चार, चार प्लस चार आठ। अब आपने सोचा अब मैं टिफिन थ्री को लूंगा। जब आपने बोला टिफिन थ्री के साथ आप बैग वन को फिर से ले सकते हो, बैग टू को, बैग थ्री को और बैग फोर को। तो टिफिन थ्री के लिए कितनी सिलेक्शन बनी? चार। क्या और कोई पॉसिबल सिलेक्शन है डिफरेंट जो होगी? नहीं। तो कितनी सिलेक्शन टोटल हो गई? फोर प्लस फोर प्लस फोर, दैट्स टोटल 12 सिलेक्शन आ गई। टोटल अलग अलग यहां पे आ गई सिलेक्शन, 12 सिलेक्शन। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन सर अगर किसी के घर में 10 टिफिन होंगे, 20 बैग होंगे और हमें पता करना हो कि वो स्टूडेंट कितनी अलग अलग सिलेक्शंस बना सकता है जब वो एक दिन में स्कूल के लिए एक टिफिन और स्कूल बैग लेगा, तो यहां पे क्वेश्चन है सर उस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आधा घंटा तो एक घंटा लगेगा ही लगेगा। तो क्या करेंगे? देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, हम देखेंगे हमें स्कूल लेना था एक टिफिन, एक टिफिन और एंड स्कूल बैग। आप ऐसा नहीं कर सकते एक दिन के लिए आप स्कूल वाले टिफिन ही लोगे, बैग नहीं लोगे, नहीं, आपको जरूरी लेना टिफिन भी और बैग भी, इसलिए बोला एंड। तो टिफिन लेना, आप लेकर टिफिन आप कितने अलग अलग तरीकों से चेंज कर सकते हो, या टिफिन के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, या टिफिन आप कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। एक टिफिन आपको लेना है लेकिन कितने तरीकों से आप टिफिन ले सकते हो? तीन तरीकों से, या तो टिफिन वन या टिफिन टू या टिफिन थ्री लोगे। सो हम देखेंगे टिफिन को हम चेंज कर सकते हैं थ्री वेज, या टिफिन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं तीन तरीकों से। अब बैग की बात करेंगे, अगर आपके पास चार बैग्स है लेकिन एक दिन के लिए स्कूल लेना है एक बैग, तो हम बैग को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? चार में से किसी एक को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। बैग को हम सिलेक्ट कर सकते हैं फोर वेज, कितने तरीकों से? फोर वेज। अब बीच में क्या है? एंड। क्या आप ये करोगे कि एक दिन के लिए आप ओनली टिफिन लोगे बैग नहीं, आपको टिफिन भी लेना है बैग, या आप ऐसा कर सकते हो कि बस आज हम ओनली बैग लेंगे टिफिन को घर ही, नहीं, आपको टिफिन भी लेना है बैग भी लेना है। तो यहां लगेगा एंड, एंड से मतलब मल्टीप्लीकेशन। थ्री वेज मल्टीप्लाइड बाय फोर वेज टोटल इक्वल्स टू 12 वेज। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन काउंटिंग करने की जरूरत है नहीं। हमने क्या किया कि टिफिन को कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है, बैग को कितने तरीकों से सिलेक्ट किया, बीच में लगा दिया मल्टीप्लीकेशन, तो टोटल आया आंसर 12 वेज।
अगर अब किसी के घर में 10 टिफिन्स होंगे, 20 बैग्स होंगे, तो अब आसान है, अब ऐसा नहीं करना है। आप कहोगे सर टोटल टिफिन 10 टिफिन्स में से हम एक टिफिन कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 वेज, टोटल 20 बैग्स में से हमें एक बैग को सिलेक्ट करना है, कितने तरीकों से किया जा सकता है, 20 वेज, सर टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा, 10 × 20 डैश इज 200 वेज। ऐसा करने की जरूरत है, अब आपको लेमैन नहीं बनना है। तो ये आपके हो गई दो एग्जाम्पल्स। अब यहां पे क्वेश्चन है, यहां हमने देखा पांच में से हमें एक को चुनना था, हमने देख बोला पांच तरीकों से कर सकते हैं, छह में से एक को चुनना था, छह तरीके। सर यहां पे 5+6 क्यों लिखा, यहां पे भी टिफिन तीन में से हम एक को सिलेक्ट करना था तीन तरीकों से, यहां चार में से एक को सिलेक्ट करना था बोला चार में से, सर यहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया, यहां बीच में प्लस क्यों लगाया, ये क्वेश्चन है। यहां पे 5 × 6 क्यों नहीं लगाया, वो तो बनता सर 30, 30 तरीकों से हम कैलकुलेट, लेकिन वो गलत है। प्लस यहां पे क्यों लगाया, मल्टीप्लीकेशन यहां क्यों लगाया। देखो यही है दो अलग अलग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जहां पे एडिशन लगेगा उसे हम कहेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एंड जहां पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा उसे हम कहेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो कहां पे आपको क्वेश्चन में एडिशन लगाना है, कहां पे मल्टीप्लीकेशन वाला साइन लगाना है। जहां पे भी आप आज के बाद और देखोगे, क्या देखोगे, और या देखोगे आप, या और से मतलब या, इससे मतलब या हिंदी में। और जहां जब भी आप क्वेश्चन में और देखोगे, या देखोगे तो देख लेना कि आपको लगाना है प्लस साइन। लेकिन आज के बाद जब भी आप कहीं पे क्वेश्चन में क्या देखोगे, क्वेश्चन में देखोगे एंड या देखोगे फिर, या देखोगे यही फिर से, या देखोगे फिर, जब भी आप आज के बाद क्वेश्चन में देखोगे एंड या देखोगे फिर, तो वहां पे आप लगाओगे मल्टीप्लीकेशन। क्या लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन। याद रहे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। जब भी आप और देखोगे या देखोगे तब आप लगाओगे प्लस, जब भी आप एड देखोगे फिर देखोगे तो लगाओगे मल्टीप्लीकेशन। सर इसका मतलब ये तो आपने रटाया, एंड देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन और देखोगे तो एडिशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर आप लगाते ना मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता कि आप यहां से भी एक कैप्टन को सिलेक्ट करते, यहां से भी कैप्टन, आपको कैप्टन चुनना था पांच बॉलर्स और सिक्स बैट्समैन से। आप कहते हो कि मैं पांच बॉलर्स में से कितने तरीकों से एक कैप्टन को चुनूंगा, पांच तरीकों से। अगर मैं बोले और, अगर आप बोलते और या फिर मैं छह बैट्समैन में से एक कैप्टन कितने तरीकों से करूंगा सिलेक्ट, सिक्स, तो अगर आप यहां मल्टीपल लगाते तो वो बन जाता आपका 30। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पे आपको इन फाइव और सिक्स प्लेयर्स में से एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करना था, या आपको यहां से सिलेक्शन करनी थी या यहां से। इसलिए हमने बोला इसमें से हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, पांच तरीके, इसमें से कितने तरीकों से सिलेक्ट कर, छह तरीके, सो टोटल 5+ या से मतलब एडिशन तो अलग। लेकिन यहां पे आपको क्या करना था, एक टिफिन को भी लेना था और इसके साथ किसको लेना था, एक स्कूल बैग को भी, सो जोड़ना था यहां पे, यहां से भी एक टिफिन को भी आपको स्कूल लेना था और आपको एक बैग को भी स्कूल लेना था, इसलिए मल्टीप्लीकेशन लगाया। लेट्स इसको भी चुनना था और उसको भी चुनना था, इस यहां पे हमें या तो यहीं से चुनना था या यहां से चुना। अगर आपने कैप्टन यहां से सिलेक्ट किया, यहां से, उस टाइम कैंसिल। अगर आपने यहां से सिलेक्ट नहीं किया तो यहां से चुनना था। यहां क्या करना था, अगर टिफिन सिलेक्ट किया बैग को भी सिलेक्ट करना था, इसलिए मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो जहां पे अब आप देखोगे ये, फिर ये और फिर ये, तो वहां पे लगेगा मल्टीप्लीकेशन। ये फिर ये और फिर ये, तो वहां लगेगा मल्टीप्लीकेशन। जहां पे आप देखोगे या ये वहां बीच में लगेगा प्लस साइन। आई होप आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहां पे लगता है और मल्टीप्लीकेशन कहां पे लगता है। चलो हम अब इनको लिखेंगे, थोड़ा सा लिखने पढ़ने का काम करेंगे।
पहले हम लिखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ देयर आर टू जॉब्स, अगर दो काम हो करने, अगर दो काम हो, सच दैट कैसे काम, सच दैट दे कैन बी डन इंडिपेंडेंटली, दे कैन बी डन इंडिपेंडेंट, दैट इज वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर हमारे पास दो काम हो, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर मुनसर नहीं हो, सच दैट दे कैन बी डन इंडिपेंडेंटली इन एम एंड एन वेज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो काम हो, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, सपोज उन दो कामों में से एक काम को एम तरीकों से किया जा सकता है। जैसे भी हमें कैप्टन को चुनना था, पांच बॉलर्स में से हम एक कैप्टन को कितने तरीके से चुन सकते थे, पांच तरीकों से। वही हुआ, अगर एक काम को हम एम वेज किया जा सकता है और दूसरे काम को एन तरीकों से किया जा सकता है, देन बोथ देयर jobs, then either of the jobs can be done in m plus n ways। देखो बेटा मजेदार statement है ये, स्टेटमेंट कहता है अगर आपको दो काम करने हो और दोनों काम उसको अलग अलग किया जा सकता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, से उन दो काम्स में से, दो जॉब्स में से एक जॉब को हम एम तरीके से कर सकते हैं, जैसे 5 ways, 10 ways, 13 ways, और दूसरे जॉब को एन तरीकों से 7 ways, 9 ways किया जा सकता है, तो उन दो कामों में से एक काम को, उन दो जॉब्स में से एक जॉब को कितने तरीकों से किया जा सकता है, एम प्लस एन वेज। अगर एक को एम वेज किया जा सकता है और दूसरे को एन वेज, तो दोनों को, उन दोनों में से एक काम को कितने तरीकों के से किया जा सकता है, एम प्लस एन वेज। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सपोज आपका टीचर आपसे बोल रहा है आपकी क्लास में 7 girls है एंड 10 boys है। सपोज आपकी क्लास में 7 girls है और 10 boys है, एंड यू आर आस्क्ड, आपसे पूछा जा रहा है, आपको क्लास के लिए एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, इन आपको अपने क्लास के लिए एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, और अब आपसे पूछा जाता है इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट अ मॉनिटर फॉर योर क्लास। This is the question here. एक क्लास में 7 girls और 10 boys है, और आपसे पूछा जा रहा है इस क्लास के लिए आपको एक मॉनिटर चुनना है, और आपसे लेकिन यह पूछा जा रहा है कि ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो। देखो आपको मॉनिटर सिलेक्ट करना है, वो मॉनिटर गर्ल मॉनिटर भी हो सकता है, बॉय मॉनिटर भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले यहां डिसाइड करना है कि आपको एक को सिलेक्ट करना है या एक से ज्यादा, दो या तीन को। आपको पता है क्या पूछा, इन हाउ मेनी, आपको एक को सिलेक्ट करना है, क्लास का मॉनिटर एक को रखना है, दैट मींस वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। तो आउट ऑफ सेवन गर्ल्स सो 7 girls में से, 7 ladkiyon में से, जो अगर आपको गर्ल मॉनिटर रखनी है क्लास की, तो कितनी गर्ल्स को रखोगे मॉनिटर, एक ही को। तो एक गर्ल को कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है, वन गर्ल कैन बी सिलेक्टेड इन 7 ways, दैट इज 7 girls जो है, 7 में से किसी एक को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, दैट इज इन 7 ways। एंड आउट ऑफ
कितने बॉयज है टोटल 10 बॉयज। अगर आपकी मर्जी है नहीं इस क्लास का बॉय मॉनिटर रखा जाए तो, लेकिन आप 2 या 3 बॉयज को मॉनिटर नहीं रख सकते, आप एक ही बॉय को मॉनिटर रख सकते हो। 10 बॉयज में से आप किसी एक को चुनोगे तो किसी एक को कितने तरीकों से आप चुन सकते हो। एक बॉय को ऑफ वन बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज 10 वेज। So, लेकिन क्वेश्चन है, हमें आंसर देना है कि टोटल कितने तरीकों से एक मॉनिटर को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो टोटल कितने तरीकों से किया जा सकता है, यहां पे लिखेंगे टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन मॉनिटर फ्रॉम फॉर दिस क्लास। इस क्लास के लिए एक मॉनिटर को कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है। गर्ल्स में से एक गर्ल को कितने तरीकों से, 7 तरीकों से। बॉयज में से एक बॉय को कितने तरीकों से, 10 तरीकों से। अब क्वेश्चन है बीच में प्लस लगेगा या मल्टीप्लिकेशन, बस वही आंसर में देगा। देखो एक क्लास के लिए आपको एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, आपको ऐसा नहीं करना कि गर्ल को भी स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, बॉय को भी सिलेक्ट करना है। आपको दिया गया है कि आपको बस एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, दैट्स या आप गर्ल को सिलेक्ट करोगे या बॉय को। तो मैंने बताया जब या आएगा तो बीच में लगेगा प्लस साइन। 7 प्लस 10 दैट इज 17 वेज। टोटल इन हाउ मेनी वेज आप एक मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस पे मैं और एग्जांपल्स देता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में। इसलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है। इसपे बहुत कम क्वेश्चंस है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे, तो इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे। चलो पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड द इंपॉर्टेंट वन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चलो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेटमेंट है हम पहले उसको लिखेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है इफ वन जॉब कैन बी डन, इफ वन जॉब कैन बी डन इन एम वेज, अगर एक जॉब को किया जा सकता है एम तरीकों से, एंड आफ्टर फिनिशिंग इट, इस काम को कंप्लीट करने आफ्टर फिनिशिंग इट, अनदर जॉब कैन बी डन इन एन वेज, then both the jobs can be done in m multiplied by n ways। क्या कहा जा सकता है हमसे, अगर एक काम को किया जा सकता है m तरीकों से और उस पहली काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरे काम को n तरीकों से किया जा सकता है, तो इन दोनों कामों को एक साथ कितने तरीकों से किया जा सकता है। एक काम को जितने तरीकों से किया जा सकता था मल्टीप्लाइड बाय दूसरे काम को कितने तरीकों से किया जा सकता है। लेकिन इफ डन वन आफ्टर अनदर,
if done one after another. That is, these two jobs are not independent. ये दो jobs independent नहीं है. If done one after another, आप समझे इसका मतलब हुआ ये और इसके बाद ये, पहले ये फिर ये. तो क्या कहा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, अगर आपको दो कामों को करना है, अगर एक काम को m तरीकों कर सकते हो, सपोज 10 तरीकों से आप एक काम को कर सकते हो, इस काम को कंप्लीट करने के बाद अगर आप दूसरे काम को 7 तरीकों से कर सकते हो, लेकिन ये दो काम ऐसे हो कि पहले आपको इसको करना है फिर उसको, डेट इज यहां पे ये नहीं चलेगा आप पहले काम को ऑनली करोगे दूसरे को छोड़ दोगे, नहीं, आपको पहले काम को भी करना है और दूसरे को, लेकिन इन सक्सेशन, दैट इज पहले इसको फिर इसको. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है इन दोनों कामों को आप टोटल कितने तरीकों से कर सकते हो, m into n, that's 10 into 7 which is 70 ways. सर ये क्या रटा दिया हमको, ये तो हमारे दिमाग सर के ऊपर से जा रहा है, ये क्या. अभी ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें लिखाई पढ़ाई का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कंसेप्ट चलता है, लॉजिक चलता है. जब तक आपको ये चीजें समझ ना आए तो ये कुछ भी नहीं है, समझ आ गया तो काम खत्म. चलो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा. से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देखो कैसे क्या लूंगा. से इस टाइम देखो क्या है, आपकी क्लास में 10 बॉयज और 7 गर्ल्स. सी आपके क्लास में 10 बॉयज और 7 गर्ल्स है, और आपसे पूछा जा रहा है इन, देखो मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट one boy and one girl for quiz competition. आपसे पूछा जा रहा है इस क्लास में 10 बॉयज और 7 गर्ल्स है, आपको सिलेक्ट करना है. पहले आप देखोगे सिलेक्ट, मैंने पहले ही बताया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पहले देखना है, परमुटेशन का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, पहले हर चाहे परमिटेशन का क्वेश्चन हो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो आपको पहले चीजों को सिलेक्ट करना है, चुनना है. चलो पहले सिलेक्शन करके देखेंगे सिलेक्ट किस किस को करना है. आपसे पूछा जा रहा है आपको इन हाउ कितने तरीकों से आप कर सकते हो, क्या यू कैन सिलेक्ट, आप कितने तरीकों से चुन सकते हो एक लड़के और एक गर्ल को, एक लड़की को. आपको एक बॉय स्टूडेंट को चुनना है और एक गर्ल स्टूडेंट को, बीच में क्या है एंड, तो समझ में आया ना बीच में क्या लगाना है लास्ट आंसर देते वक्त. आपको एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है किसके लिए, क्विज कंपटीशन के लिए. अब आपसे पूछा जा रहा है यही काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो. देखो पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता था, एक्चुअली आपको दो अलग अलग काम उसको करना है, आपको एक बॉय को सिलेक्ट करना है और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है. आप इस पूरे काम को दो सब कॉमर्स में सब जॉब्स में डिवाइड करोगे. आप पहले देखोगे कि एक बॉय को मैं कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं, फिर आप देखोगे एक गर्ल को मैं कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं, फिर लास्ट में आंसर दोगे. तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा. देखो पहले देखेंगे एक बॉय को हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या आप यहां से बॉय को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं ना. एक गर्ल से हम कैसे बॉय को सिलेक्ट, बॉय को हम बॉयज से ही सिलेक्ट करेंगे. हमारे पास 10 बॉयज है, 10 बॉयज है हमारे पास, 10 में से हमें एक को सिलेक्ट करना है. खुद सोचो किस किस को सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 बॉयज में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. किसी से मतलब हम 10 में से 10 को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो कितने तरीकों से हम एक बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 तरीकों से. हमारे पास 10 अवेलेबल चॉइसेस है एक बॉय के लिए. तो आउट ऑफ 10 बॉयज A boy से मतलब एक बॉय को कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है. A boy can be selected in 10 ways. एक बॉय को सिलेक्ट किया जा सकता है 10 तरीकों से. बिकॉज अगर इनके नाम है ABCDEFGHIJKL
तो आप ए को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, एफ को भी एंड सो ऑन। आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज 10 तरीकों से आप एक बॉय को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आउट ऑफ कितनी गर्ल्स है आपके पास, 7 गर्ल्स। 7 गर्ल्स में से आपको कितनों को चुनना है, एक ही को चुनना है, लेकिन आपको बताना है कितने तरीकों से आप एक गर्ल को चुन सकते। आउट ऑफ 7 गर्ल्स, ए गर्ल मीन्स वन गर्ल कैन बी सिलेक्टेड इन, अगर इनका नाम है एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, तो आप एक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, वाई को भी, जेड को भी एंड सो ऑन, एट 7 तरीकों से इन 7 वेज। अब आप क्वेश्चन की ओर देखोगे, आप एक काम को एम वेज कर सकते हो, दूसरे को एन वेज। अब आपको देखना है कि एम प्लस एन इज द रिक्वायर्ड आंसर और एम मल्टीप्लाइड बाय एन, डिपेंड करता है क्वेश्चन के बीच में, जब जहां पे सिलेक्शन देखना था क्या लगा है बीच में। आपको एक बॉय को भी सिलेक्ट करना है और गर्ल को भी, दैट्स आपको दोनों कामों को सिलेक्ट करना है, दोनों कामों को कंप्लीट करना है। जब दोनों कामों को कंप्लीट करना हो तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा बीच में। अगर ये हमसे पूछा जा सकता जाता इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट वन बॉय और वन गर्ल, और से मतलब बस आपको एक स्टूडेंट को चुनना था, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वहां हमें किसी एक को करना था, दोनों काम उसको नहीं करना था, दोनों जॉब उसको कंप्लीट नहीं करना था, वहां प्लस लगाते। लेकिन यहां पे दोनों जॉब उसको कंप्लीट करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ए बॉय एंड ए गर्ल फॉर क्विज कॉम्पिटिशन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, which is equal to 70 ways. आपको एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करना था एक क्विज कंपटीशन के लिए फ्रॉम द गिवन 10 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। ये काम आप टोटल कितने तरीकों से कर सकते हो, 70 वेज से। ये हुई एक एग्जांपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की।